कहानी की शुरुआत होती है हम देखते हैं मिडिल स्कूल के बच्चों को जिनका आज ग्रेजुएशन डे होता है। कहानी फिर जाती है एक लड़के और एक लड़की के यहाँ पे, जहाँ पे ये लड़का आज इसे कन्फेशन कर रहा होता है और ये हमारा मेन कैरेक्टर आजियो रेंटारो है। आजियो अपनी दिल की बात इसे बता देता है पर ये लड़की इसे कई सारे बहाने दे के इसे रिजेक्ट कर देती है। आजियो सोचता है कि आखिरकार इतने सारे बहाने मारने की क्या जरूरत थी अगर उसे मुझे रिजेक्ट करना था तो। आजियो का मिडिल स्कूल का ये पहला रिजेक्शन होता है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है, जिसके बाद ये अपने दोस्त के साथ जब घर जा रहा होता है तो उसका दोस्त समझाता है कि उसे अपने दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। रिजेक्शन काफी सारे लोगों को मिलते रहता है, वो किसी और पे ट्राई कर सकता है। इसका दोस्त फिर से पूछता है कि आखिरकार ये कितनी बार रिजेक्ट हो चुका है लड़कियों से। आजियो कहता है कि आखिरकार तुम ये क्यों जाना चाहते हो। ये कहता है कि मैं बस यही जाना चाहता हूँ क्योंकि आज के बाद तो वैसे भी हम नहीं मिलने वाले। ये इसे बताता है कि दरअसल ये वाला जो था ये 100 था, इस लड़की को मिला के करीब मैं 100 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। तो इसका दोस्त इसे कहता है कि आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है, 99 बार रिजेक्ट हो चुके हो पर फिर भी तुमने एक और बार एक लड़की को अप्रोच करने का फैसला किया और तुम दुनिया का सबसे बड़े फ्लर्टी बन चुके हो। ये लो मेरी तरफ से ये अवार्ड है तुम्हारे लिए। आखिरकार तुम 100 लड़कियों से रिजेक्ट कैसे हो सकते हो, तुमने पहली बार किस लड़की को अपने डेट के लिए पूछा था। आजियो इसे बताता जब ये 8 महीने का था तब इसने पहली बार एक लड़की से अपना कन्फेशन किया था। तो ये कहता है कि था सचमुच तुम काफी ज्यादा अजीब हो। आजियो वो कहता है मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, आखिरकार ये क्यों नहीं हो पा रहा। तो इसका दोस्त कहता है कि हां आखिरकार तुम बार बार रिजेक्ट कैसे हो जा रहे हो, तुम्हारे अंदर सारी क्वालिटी है, तुम एक अच्छे एथलीट हो, साथ ही साथ तुम हैंडसम हो, साथ ही साथ तुम स्मार्ट भी हो और तुम लड़के और लड़कियों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो, पर आखिरकार तुम रिजेक्ट क्यों हो जा रही हो। पर छोड़ो उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, अपना ध्यान रखना रेंटारो। जिसके बाद इसका दोस्त यहाँ से चले जाता है। आजियो फिर श्राइन के यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे वो गॉड से भीख मांग रहा होता है कि गॉड प्लीज मुझे हाई स्कूल में एक गर्लफ्रेंड दिला देना, मेरी लाइफ एकदम अच्छी बना देना। तभी इसके सामने गॉड अपियर हो जाते हैं पर आजियो को लगता है ये थीफ है, जिसके बाद गॉड इसे बताते हैं कि रेंटारो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई चीक तुम्हें अपने हाई स्कूल में जरूर मिल जाएगी। ये कहता है कि आखिरकार आपका मतलब क्या है चीक से। गॉड इसे बताता है कि मेरा मतलब तुम्हारे पार्टनर से है जो कि तुम्हारे बर्थ के दौरान तुम्हारे लिए डिसाइड होती है, वो तुम्हारी आइडल रोमांटिक पार्टनर होगी जिसके साथ तुम कुछ भी कर पाओगी। जब तुम पहली बार अपनी सोलमेट से मिलोगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक जोरदार झटका लगेगा जिसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि यही तुम्हारी सोलमेट है और साथ ही साथ तुम एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाओगे। रेंटारो फिर गॉड की बातों को रिपीट कर रहा होता है जिससे गॉड गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि हमारे पास काफी कम समय बचा है सब कुछ कवर करने के लिए, आखिरकार तुम मेरी बातों को रिपीट कब तक करते रहोगे, और अगर देखा जाए तो मांगा वाले गॉड के पास ज्यादा लाइनें थी, मेरी लाइनें काट दे ये मेरे लिए काफी बुरा हुआ, चलो फिर जल्दी बात कर दे। सोलमेट के नसीब में लिखा होता है कि वे एक दिन जरूर मिलेंगे और स्पेसिफिक पॉइंट के दौरान वो दोनों जरूर मिलते हैं। तो रेंटारो गॉड से जल्दी पूछता है कि आखिरकार उन लोगों का क्या जो कि जिंदगी भर सिंगल रहते हैं। गॉड इसे कहते हैं कि हर किसी के नसीब में सोलमेट नहीं लिखी होती है। तो रेंटारो कहता है इसका मतलब मैं अपने हाई स्कूल में जाके अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाऊंगा एक रोमांस के साथ वो भी। गॉड इसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी किस्मत में करीब 100 लड़कियां लिखी हुई है। ये कहता है क्या सचमुच। गॉड इसे कहते हैं कि हाँ सचमुच, तुम्हें अब किसी लड़की को भी पिकअप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास 100 लड़कियां होंगी, तुम आज खुश तो बहुत होंगे ना क्योंकि तुम्हारे पास 100 गर्लफ्रेंड्स होंगी। तो रेंटारो कहता है अगर ये बात झूठ निकली तो मैं खुद यहाँ पे आके इस श्राइन को जला दूंगा। हमें फिर 1 महीने बाद दिखा जाता है जहाँ हम देखते हैं रेंटारो के हाई स्कूल में, जहाँ पे रेंटारो अपनी एंट्रेंस सेरेमनी कम्प्लीट करके अपनी क्लास को ढूंढने लग जाता है और ये इतना ज्यादा खो चुका होता है इसमें इसकी टक्कर कुछ लड़कियों से हो जाती है और ये तीनों नीचे गिर जाती है। रेंटारो फिर इन दोनों से माफी मांगता है इसकी गलती के लिए जिस वजह से ये तीनों नीचे गिर गए, जिसके बाद ये इन दोनों का चेहरा देखता है तो इसे जोरदार झटका लगता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है इसके बॉडी के साथ, पर रेंटारो समझ जाता है ये दोनों उसकी सोलमेट है जिस वजह से इसकी बॉडी में इसे झटका लगा। रेंटारो को लगता है कि इन दोनों का ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा होगा, ये लोग सोच रहे होंगे कि सामने वाला एक वियर्डो है, जिसके बाद रेंटारो इन दोनों की मदद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है। पर तभी एक लड़की कहती है कि मेरे पांव में काफी चोट लगी है, मुझे प्लीज उठा लो अपनी गोदी में। रेंटारो इसे पूछता है क्या तुम्हें सचमुच इतनी बुरी चोट लगी है। ये कहती है कि हाँ। तो रेंटारो यहाँ पे रोने लग जाता है और इसे माफी मांगने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है, और साथ ही साथ वो मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कैसा इंसान है इसने मिलते ही अपनी सोलमेट को चोट पहुंचा दी। पर वहीं पे वो लड़की सोच रही होती है वो एक स्ट्रेंजर के लिए कितना ज्यादा सोच रहा है और वो रो भी रहा है, आखिरकार कितना अच्छा इंसान है ये। रेंटारो फिर इस लड़की की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने लग जाता है पर उतने में दूसरी लड़की कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैंने अपने एंकल को जानबूझ के तोड़ लिया ताकि तुम मेरी मदद कर सको। रेंटारो फिर इसे पूछता है क्या तुम्हें भी चोट लगी। ये कहती है कि हाँ। तुम्हें इसे कोई दिक्कत है क्या। रेंटारो फिर खुद को मारने लग जाता है, वो कहता है कि आखिरकार मैं कैसा इंसान हूँ जिसने अपने सोलमेट से मिलते ही उन्हें चोट पहुंचा दी, जिसके बाद यहाँ पे ये अपने आप को मारने लग जाता है। पर ये दोनों लड़कियां कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और ये दोनों खड़ी हो जाती है। रेंटारो इनसे पूछता है तुम दोनों खड़ी हो सकती हो। ये दोनों यहाँ पे बहाने मार के कहती है कि हम दोनों के पांव में काफी ज्यादा चोट है, प्लीज हम दोनों को उठा लो, जिसके बाद ये दोनों रेंटारो को उठा के यहाँ से जाने लग जाते हैं और इसी के साथ ये दोनों रेंटारो से काफी ज्यादा चिपक भी रहे होते हैं। रेंटारो को लगता है कि वो स्वर्ग में पहुंच गया, पर यहाँ पे रेंटारो कहता है कि जल्दी चलो हम
सर के ऑफिस में पहुंचने वाले हैं। ये दोनों लड़कियां फिर इसे अपना नाम बताती है। पिंक वाली लड़की का नाम होता है हानाजोन आकारी और ऑरेंज वाली लड़की का नाम होता है ईदे कारानी और ये दोनों इसी की क्लास में पढ़ती है। तभी यहाँ पे ये लोग कुछ लड़कियों की बात सुनते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि अगर आप फोर लिप्स वाले पिंक क्लोवर के साथ किसी को कन्फेस करते हो तो आपका कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और ये बात सुन के ये दोनों यहाँ पे पिंक क्लोवर को ढूंढने के लिए भागने लग जाती है। वे फिर स्कूल खत्म होने के 4 घंटे बाद दिखाया जाता है जहाँ रैंतारो अब तक अपने टीचर की मदद कर रहा था ताकि वो उनके कॉन्टेक्ट लेंसेज ढूंढ सके और इस वजह से रैंतारो अब काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। रैंतारो फिर सोचता है कि काश उन लड़कियों से मैं दोबारा मिल पाता स्कूल के बाद, पर वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां यहाँ पे अब तक पिंक क्लोवर को ढूंढ रही होती है। रैंतारो को लगता है ये दोनों लड़कियां स्कूल खत्म होने के बाद से करीब 4 घंटे से ही उस पिंक क्लोवर को ढूंढ रही है। रैंतारो फिर यहाँ पे काराने से पूछता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है फोर लिप्स क्लोवर को ढूंढने में, पर ये कहते हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं ढूंढ रही है, उसे कुछ गलत फहमी हुई है, वो तो बस यहाँ पे अपनी सीट चुन रही थी ताकि वो कल आके यहाँ पे सबसे पहले बैठ सके। रैंतारो फिर इसे पूछता है कि आखिरकार हकारी कहाँ पे है, ये इसे बताती है वो बाथरूम गई हुई है, जिसके बाद रैंतारो इसे जूस देता है। वो कहता है तुम काफी ज्यादा थक चुकी होगी, पहले ये मना कर देती है जिसके बाद ये कहती है ठीक है मैं इसे पी लूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रैंतारो फिर से कहता है कि अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है तुम्हें अब घर वापस चले जाना चाहिए, पर ये कहते कि तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद ये इसे शुक्रिया करके यहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो इसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहती हूँ या फिर कुछ और। तभी यहाँ पे हकारे आ जाती है जो कि इसे पूछते कि रैंतारो आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रैंतारो इसे कहता है कि दरअसल मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मैं तुम्हारे लिए जूस लाया हूँ। तो ये कहते कि इस पूरे जूस के कैन को मैं खत्म नहीं कर सकती, क्या तुम मेरे लिए इस कैन को आधा पी सकती हो। दरअसल ये हकारी की एक ट्रिक होती है क्योंकि वो रैंतारो की इनडायरेक्ट किस लेना चाहती है। तभी रैंतारो कहता है कि मुझे लगा ही था, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए 190 ml वाला भी कैन लाया है, पर ये कहती कि 190 ml में भी थोड़ा ज्यादा होता है, क्या तुम थोड़ा इस कैन का पी सकते हो जिसके बाद मैं उसको पी लूंगी। तो रैंतारो उस कैन को पी लेता है जिसके बाद वो हकारी को भी इस जूस को दे देता है, पर कुछ देर बाद उसे एहसास होता है ये तो एक इनडायरेक्ट किस है, पर इससे पहले हकारी जूस को पीती यहाँ पे उसके हाथ कपकपाने लग जाती है और वो पूरी की पूरी कैन नीचे गिर जाती है और इस चीज का हकारी को काफी अफसोस होता है। रैंतारो उसे संभालता है और उसे कहता है कि ये लो रुमाल तुम्हारे स्कर्ट पे जूस गिरा है तुम उसे साफ कर सकती हो। और इतना अच्छा मौका देख के हकारी रैंतारो को कन्फेशन कर देती है कि वो उसे प्यार करती है और ये देख के कि पहली बार किसी लड़की ने उसे कन्फेस किया रैंतारो की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तभी यहाँ पे काराने आ जाती है जिसने काफी सारे जूस के कैन लाए होते हैं। वो इसे कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए इतने सारे जूस लाए क्योंकि मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती थी। फिर हकारी को पकड़ लेती है और इसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ, आखिरकार तुमने लाइन क्रॉस करने की हिम्मत कैसे करी। और जिसके बाद ये रैंतारो को कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या फिर कुछ और, पर हाँ फिर भी अगर तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हो तो ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हूँ। काराने फिर रैंतारो को डायरेक्ट बोल देती है कि वो उसे पसंद करती है। ये दोनों फिर इसे पूछती है कि आखिरकार ये इन दोनों में से किसे चूज करने वाला है, पर रैंतारो कहता है इस चीज का फैसला करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे थोड़ा समय दो। जिसके बाद हम रैंतारो को घर पे देखते हैं, वो सोचता है कि आखिरकार वो किसे चूज करे। रैंतारो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि कल इसे इन दोनों में से एक को चुनना है। तो रैंतारो इस चीज का सॉल्यूशन लेने के लिए गॉड के पास आ जाता है, पर गॉड इसे बताते हैं इन दोनों में से किसी एक को चुनना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि वो दोनों ही तुम्हारे सोलमेट्स हैं। तो रैंतारो गॉड से पूछता है कि आखिरकार वो लोग क्या करते हैं जो कि एक साथ दो सोलमेट से मिलते हैं। तो गॉड इसे कहते हैं कि नॉर्मली हर इंसान के पास एक ही सोलमेट होती है, पर तुम्हारे ये केस अलग है। दरअसल जब तुम पैदा हो रहे थे कुछ अजीब चीज हो गई थी जिस वजह से तुम्हारे पास 100 सोलमेट्स है। दरअसल उस समय फोर्ट्रेस इन द स्काई टीवी पे एयर हो रहा था जब मैं काम कर रहा था। तो यहाँ पर रैंतारो इसे कहते हैं कि आप एक गॉड हो, आखिरकार आप काम के दौरान कैसे टीवी देख सकते हो। गॉड इसे कहते हैं वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसी वजह से मेरे से थोड़ी गड़बड़ होगी, एक सोलमेट की जगह मैंने वहाँ पे 100 सोलमेट लिख दिया। तो रैंतारो कहता है कि आखिरकार आप मेरी लाइफ के साथ ऐसे कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। गॉड इसे माफी मांगते हैं, पर ये कहता है कि इससे ज्यादा बुरा आप क्या ही हो सकता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ ये चीज याद रखना, जब एक पर्सन अपने सोलमेट से मिलता है तो एक दूसरे को प्यार करते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, पर अगर वो दोनों ऐसा नहीं कर पाए तो आगे जाके वो दोनों ही मारे जाएंगे। तो इसका मतलब अगर उन दोनों में से किसी एक को भी तुम रिजेक्ट करते हो तो वो मारी जाएगी। तो ये कहता है कि आखिरकार उन दोनों में से मैं किसी एक को कैसे चूज करूं। गॉड इस चीज के लिए उससे माफी मांगते हैं, पर ये कहता है कि आखिरकार आपके सॉरी का मैं अचार डालूंगा क्या। जिसके बाद ये जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार वो क्या करे। फिर इसे एक आइडिया आता है, ये अगले दिन दोनों को ही रिजेक्ट कर देगा, जिसके बाद वो इन दोनों से मिलके इन दोनों के साथ दोस्ती कर लेगा और अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा इन दोनों को, और इस वजह से इन दोनों में से कोई मरेगा भी नहीं और इन दोनों के साथ ये डेट भी कर पाएगा। जिसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे ये इन दोनों से मिलने के लिए जाता है, पर इसकी हालत काफी बुरी होती है। ये दोनों फिर रैंतारो से
उससे पूछती है कि उसने डिसाइड कर लिया कि आखिरकार वो किसे डेट करने वाला है। पर रेंतारो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। दरअसल रेंतारो ने पहले ये डिसाइड किया था कि इन दोनों को वो अलग अलग डेट करेगा, पर बाद में उसे एहसास हुआ कि किसी के सामने अपनी फीलिंग रखना कितनी बड़ी बात होती है और इसके अलावा उसे कोई भी नहीं समझ पाएगा। तो रेंतारो ने डिसाइड किया कि वो इन दोनों लड़कियों को ही डेट करेगा। रेंतारो फिर इन्हें कहता कि मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं तुम दोनों में से किसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं, तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और अगर तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशी देने की। तभी कारा ने कहते कि तुम्हें क्या लगा तुम फोर लीव्स वाले क्लोवर से हमें कन्फेस करोगे तो हम तुम्हारे कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तुम्हारी बिल्कुल घटिया सोच है। मैं लगता है तुम हम दोनों को डबल डेट करोगे और उस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पर रेंतारो कहता है कि मैं बस अपने जवाब के साथ तुम्हें ये क्लोवर देना चाहता था और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हकारी इस चीज के लिए मान जाती है, पर कारा ने कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो। वो कहती है कि हाँ वो इसके प्यार के पीछे पागल हो चुकी है, जिसके बाद वो रेंतारो के गले लग जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे कारा ने भी गले लग जाती है। रेंतारो की टू टाइमिंग शुरू हो जाती है। तभी रेंतारो कहता है कि मैं तुम दोनों लड़कियों को इस दुनिया की सबसे ज्यादा खुश लड़कियां बनाऊंगा, और इस तरह से रेंतारो की हैरम लाइफ शुरू हो जाती है जो कि आगे जाके काफी एक्साइटेड होने वाली है। अभी और भी 98 सोलमेट्स बाकी है रेंतारो की, आखिरकार वो क्या करने वाला है? क्या ये इन सभी लड़कियों को छोड़ देगा मरने के लिए, या फिर इन सभी लड़कियों को ये एक एक करके डेट करेगा? अब रेंतारो क्या करने वाला है? तो क्या रेंतारो तुम 100 टाइमिंग करने वाले हो? यहाँ से जो फिर कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। और हाँ गाइस, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो 400 लाइक कंप्लीट कर देती है नेक्स्ट वीक तक, तो ही मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, वरना इसका सेकंड पार्ट भूल जाओ। ये सब आपके ऊपर है गाइस। अगर आप इस एनिमे को देखना चाहते हो तो आप इसको लाइक करो, अगर नहीं करोगे तो फिर शायद ही मैं इसका अगला एपिसोड लाऊं। तो बस ये आपके ऊपर है, ये ऑनगोइंग एनिमे है, तो नेक्स्ट एपिसोड आ ही जाएगा अगर आप लाइक कंप्लीट करते हो। तो बस जाते हुए क्या ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।